एक बार फिर लौटी पवन सोनू की जोड़ी, फिर से लग गए इंडस्ट्री में चार चांद और फिर से चुरा लिया लोगों का चैन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पवन सिंह और सोनू निगम की जोड़ी वापस लौट आई है, लेकिन इस बार माँ अम्मा फिल्म से। जैसा कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में ही इस बात की अपडेट दे दी थी कि पावर स्टार का धमाका एक से नहीं बल्कि दो दो चैनल से होगा, तो लीजिए हो गया छठ सॉन्ग का ब्लास्ट एक बार फिर से। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि गाना पहले ही रिलीज हो चुका है, सबने सुन भी लिया है और तो और गाना वीडियो फॉर्म में एज इट इज रिलीज हुआ है। फिर भी इस गाने ने आते ही एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर लिया है जो शायद पवन के अलावा कोई और ना तोड़ पाए। दिल की धड़कनें ज्यादा ना बढ़ाते हुए आपको वो रिकॉर्ड बताते हैं। दरअसल पवन सिंह का ये गाना आज सुबह 6:45 पर माँ अम्मा फिल्म से रिलीज किया गया है और 4 घंटे के अंदर ही गाने ने 1 लाख व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। यहाँ हैरानी वाली बात ये है क्योंकि गाना बिल्कुल सेम है, बस चैनल अलग अलग है, उसके बावजूद भी गाने को ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो कि सोच से परे है। अब गाना माँ अम्मा चैनल पर कौन सा नया रिकॉर्ड बनाएगा, इस बात का अंदाजा आप गाने को मिल रहे रिस्पॉन्स से लगा लीजिए। गाने में पवन और सोनू ने अपनी आवाज दी है, उनका साथ खुशबू जैन ने दिया है। गाने में एक्ट्रेस हर्षिका पुनाचा नजर आ रही हैं। ये गाना पहले सोनू निगम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आई बिलीव म्यूजिक से रिलीज किया जा चुका है, जहां गाने की परफॉर्मेंस ने अच्छे अच्छों को पछाड़ दिया है, बल्कि खुद सोनू निगम के बाकी गाने पवन सोनू के छठ सॉन्ग से पीछे रह गए हैं। इस वक्त सोनू के चैनल पर इस गाने को 5.8 मिलियन व्यूज हासिल हो चुके हैं और अब ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, वो भी दो दो चैनल से। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है पावर स्टार के जबरा फैंस की वजह से, जो इस गाने को अभी भी जी भर कर अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या आप भी उन्ही फैंस में से एक हैं जिन्होंने आई बिलीव म्यूजिक पर इस गाने को सुनने के बाद माँ अम्मा का रुक कर पवन सोनू के गाने को दोबारा सुना? शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।